स्टार्ट करेंगे यार वाई लूप। ठीक है, बहुत दिन से वाई लूप नहीं होता है तो मजा नहीं आता बच्चों को, तो आज वाई लूप का लेक्चर है। और वाई लूप में हम स्टार्ट करेंगे रेशियो। वाई लूप का कोई भी सुपर 20 टाइप का हम नहीं बताएंगे, वाई लूप के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सम्स ही बताएंगे यार। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेशियो। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो यार चलो चलते हैं। इनको कोई प्रॉपर्टी अगर बेचनी है और ये 2:3 में बेचते हैं, यानी कि वो क्या मिलता है 2 और 3 का अनुपात में बेची जाती है। ठीक है, तो उनका पार्ट ज्ञात करना इस टाइप में आएगा। हाँ, फर्स्ट टाइप ये आएगा। सेकंड टाइप क्या आएगा? सेकंड टाइप क्वेश्चन आते हैं, ए बी होगा और बी और सी होगा। ठीक है, और कहेगा कि इनमें ए बी सी निकालो। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास 2-3 बनेंगे। मैंने 3-4 दिन से प्रैक्टिस सेट देख रहा हूं, तो प्रैक्टिस सेट में मुझे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिख रहा है और ये बहुत इजी होता है और एक नंबर का आता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं, तो आज ही स्टार्ट करके आज ही इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो चलते हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1:2:3:4, ये 4 रेशियो गिवन है। ठीक है, ये 4 संख्याएं हैं जो कि 1:2:3:4 चार इतनी हमारे पास अनुपात में है। अगर इनका सम, इनका योग क्या गिवन है? इनका योग 16 है। ठीक है, इफ 4 नंबर्स इन सच रेशियो 1, 2, 3, 4 एंड द सम ऑफ ऑल इज इक्वल टू 16, इनका सम कैसा है? 16 है। ठीक, तो पहली बार चौथी संख्या का योग निकालना है, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट प्लस फोर्थ नंबर, इनका भी सम चाहिए। क्लियर? यानी हमसे कह रहा है 1, 2, 3, 4 के अनुपात में पास 4 नंबर हैं जिनका योगफल 16 है और पहली और चौथी का हमें योग चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी होता है, सबको ऐड कर लो। 4, 3, 7, 2, 9, 10, 10 की वैल्यू दे रखी 16। ठीक है, हमको पूछ रहा है 4 और 1, 4 और 1, 5 की वैल्यू पूछ रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 5 की वैल्यू 8। आंसर आपके पास क्या आ गया? 8 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आया तो इन सबको ऐड करके 10 की वैल्यू 16 हो गई। हमसे कह रहा 4 और 1, 5 की वैल्यू निकाली, तो इसका हाफ कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 8। काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है ए रेशियो बी। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा आता है। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5। ठीक है, ये गिवन है हमको। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। इस टाइप के आप सम्स मैंने देखे हैं प्रैक्टिस सेट्स में। ठीक है, बहुत ज्यादा आए हैं। कैसे सॉल्व करेंगे समझा, यहां पे लिख लो पहले ए बी सी, ये कितना है 2, 3, ये कितना है 4, 5, 2, 3, 4, 5। अब दोनों में कॉमन टर्म क्या है? बी। तो हम लोग बी को दोनों के कॉमन टर्म में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराए, दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। इसमें करा दो 4 से, इसमें करा दो 3 से। क्लियर? इसमें करा दो 4 से, तो ये रेशियो क्या हो गया? वापस 8 हो गया और ये कितना हो गया? 12 हो गया। इसमें 3 से कराया तो ये हो गया 12 हो गया और ये हो गया 15। यानी हमारे पास नया क्या है? 8, 12, 12, 15। तो वैल्यू क्या आएगी? 8, 12, 15। तो आपका आंसर क्या होगा? 8:12:15। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है यार, एबीसी लिखा, ए बी लिख लिया, बी सी लिख लिया। ठीक, अब देखें कॉमन टर्म हमारे पास बी है। बी में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, हमको बी को इक्वल करना है, तो बी को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो आई होप बी इक्वल हो गया होगा। बी इक्वल हो गया, तो आंसर क्या है? 8, 12 और 15। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, टेंथ क्वेश्चन कराऊंगा मैं सर, आगे देखना सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अलग होगा, 10 के 10 सम्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, उन्हीं में से एग्जाम में अलग अलग रेशियो आता है। तो
नेक्स्ट है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:7, सी रेशियो डी इज इक्वल टू 8:9, देन फाइंड ए रेशियो डी, हमको ए और डी का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर, कोई वो दिक्कत नहीं, लिख लो यहाँ पे ए बी सी डी कितना है 3, 4, 5, 7, 8, 9, ठीक। तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, तो इन दोनों इवन हमको इक्वल करना है, तो यार एक काम करो, चाहे इन दोनों इक्वल करो चाहे इन दोनों इक्वल करो, ठीक है, मैंने कहा लास्ट से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं, इन दोनों को इक्वल करना हमारे पास 7 है, यहाँ पे 8 है, तो क्या किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कराओ, तो कितना हो गया 14, और ये कितना हुआ 56, ये कितना हो गया 56, ये कितना हो गया 63, तो आपके पास कितना आ गया, ये 3:4 यानी 3, 4, 40, 56, 63, क्लियर हो गया। अब हमें बनाना है 40, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करा दो, 10 से करा दो, ये कितना आ गया 30, 40, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 30, 40, 56, 63, आंसर क्या मिला ए और डी का 50 और 30 और 63, ठीक है, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो 3 से 10 और 1 sorry 2 और 1, आंसर आया 10:21, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 10:21 नहीं आया, समझना यार बहुत इजी है, ये रखा तो मैंने कहा पहले इनको इक्वल कर लेते हैं, इनको इक्वल किया तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई या 7 मल्टीप्लाई, तो आ गया हमारे पास कितना आया 40, 56, 56, 63, तो आंसर आएगा 40, 56 और 63, ये रेशियो 3 और 4 था, इसको 40 बनाना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करा दो, 10 से मल्टीप्लाई कराया तो हो गया 30, 40, 56, 63, हमको चाहिए ए और डी का रेशियो, ए और डी कितना है 30, 63, यानी 10:21, क्लियर दिख रहा है, ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:9:1:3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2:7:5:14, जरा ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है, ठीक है, सबसे पहले हम इनको इक्वल कर लें, तो 3 से कैंसिल करो 3 टाइम्स क्या, तो ये ए रेशियो भी कितना आया 2:3, इसको 2 से कैंसिल कर दो तो ये आ गया 4:5, ना क्लियर हो गया, अब अगर ये आ गया तो आगे आप लोग सॉल्व कर लोगे कैसे, 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई 3 से कितना आ गया 8, 12, 12, 15, तो आंसर क्या आया 8:12:15, आई होप आ गया होगा, ठीक, सिंपल सा है, पहले इन दोनों को सेम एक सिंगल रेशियो बदल लो, ठीक है, सिंगल रेशियो चेंज कर लिया 2:3 आ गया, ये आ गया 4:5, इतना आ गया, अब उन्होंने क्या किया एबीसी लेंगे, तो 2:3, 4:5, इनको क्या करना है इक्वल करना है बी को, अगर बी को इक्वल करना होगा तो यार 4 का मल्टीप्लाई या 3 का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई कराओ तो 8:12:15, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर है, एक्स इज इक्वल टू 1/3 y, वाई इज इक्वल टू 1/2 j, ये या तो वाई ए को वाई के लिए नहीं, आने से जितने भी एग्जाम है यूपी पुलिस का है, रेलवे ग्रुप डी है, इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सही से देखना, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1/3 y, वाई इज इक्वल टू 1/2 z, तो ये आ जाए यहां से एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3, या फिर इसको लिख सकते हो एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू 1:3, ठीक है, वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू 1/2, वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 1:2, आई होप यहां तक आने के बाद आप लोग इजिली सॉल्व कर लोगे एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स की वैल्यू है यह आ गया 1/3, यह आ गया 1/2, इसमें किससे मल्टीप्लाई करा 3 से, तो 3 और 6, तो आंसर आएगा 1:3:6, क्लियर हो गया, आंसर कितना आ गया 1:3:6, ठीक, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
तो नेक्स्ट हमारे पास सिक्स नंबर क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। इजी क्वेश्चन है यार, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इतना समझो, यहां 2 लिखा है, यहां 3 लिखा है, यहां 6 लिखा है, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। 2 से कैंसिल करो कितना आया? 6। 3 से कैंसिल करो कितना आया? 4। ठीक है, 4 से कैंसिल करो कितना आया? 3। आंसर क्या आ गया? 6:4:3। नहीं ये हुआ, इनका हमने देख लिया, जो इनके आगे कोफिशिएंट लगे इनका क्या ले लिया, एलसीएम ले 12। 2 से कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करो, 4 से कैंसिल करो, आंसर कितना आ गया? 6:4:3। क्लियर, एक बार चेक कर लेता हूं, 6:4:3। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है a अपॉन 2 b अपॉन 3 c अपॉन 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c अपॉन 3। इसकी वैल्यू पे फाइंड करनी है, बहुत इजी है यार, कोई भी फालतू का दिमाग नहीं लगाना। 3 2 5 5 10, सॉरी अपॉन सी था यहाँ पे, 3 2 5 5 10, अपॉन सी की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 5। कैंसिल करो तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। आंसर कितना आएगा? 2। ठीक है, आंसर आई थिंक 2 आया, क्लियर हो गया। ठीक, चलते थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 3 नंबर्स है जियो रेशियो है 1:2, 2:3, 3:4। ठीक है, 3 नंबर्स हैं एबीसी जिनका रेशियो है 1:2, 2:3, 3:4। ठीक, कर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर जो डिफरेंस है वो है 36 का। ठीक है, तो हमसे कह रहा है संख्याएं याद कर, देन फाइंड द नंबर। If there are three numbers, yet it is this 1:2, 2:3, 3:4. If the difference of large and small, ठीक है, numbers is equal to 36, then find the all values. हमें all values find करनी है. Easy, सबसे पहले a should be 16, find कर लो. तो a, b, c कितना आएगा? LCM लो, 4, 3, 2, 12 आ गया. 2 से cancel करो 6, यहाँ आ गया 6. 3 से cancel करो 4, 4 2, 2 जा 8. ठीक है, 4 से कैंसिल करो 3, दिस इज अ 9। क्लियर हो गया। अब जो सबसे बड़ी है सबसे छोटी है उनका डिफरेंस कितना है? 3। इन दोनों डिफरेंस कितना है? 3। 3 की वैल्यू कितनी है? 36। 3 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 12। आंसर क्या आएगा? 12 से 72, 12 एट सा यानी ए हो गया, बी कितना आएगा? 96, सी कितना आएगा? 100। क्लियर हुआ, आई होप आ गया होगा। हमसे क्या कह रहा था? कह रहा था 3 नंबर्स है 1:2, 2:3, 3:4 के रूप में इनके रेशियो है। ठीक है, सबसे बड़ी सबसे छोटी डिफरेंस 36 है, तो मैंने क्या किया, इन तीनों को सिंगल रेशियो में कन्वर्ट किया, 6 8 9। 3 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 12 हो गई। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी सबसे छोटी का जो डिफरेंस है वो 36 है, 3 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू कितनी आई? 12। तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 72। b की वैल्यू कितनी आएगी? 96। c की वैल्यू कितनी आएगी? 108। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 7500 रुपए है, ठीक, इनको a b c में डिवाइड किया जाता है। 7500 रुपए है इनको a b c में डिवाइड करना है, जो कि हमारे पास a और b का रेशियो है 5:2, बी और सी का है 7:13। ठीक है, ए और बी का 5:2, बी और सी का 7:13। 7500 रुपए को यानी 7500 रुपए को हम लोगों को ए बी सी में डिवाइड करना है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करो यहाँ पे 5
और डी फाइव से ठीक, और बी और सी कितना है 7 और 13। क्लियर, हमने क्या कहा रेशियो इक्वल करो, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करा दो और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दो। जब 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 35 और ये हो गया 14, यहाँ पे आ गया 14 और 26। क्लियर, वैल्यू कितनी आएगी 35, 14 और 26, इतना भी वैल्यू कितनी है 35, 14 और 26। अब इन टोटल सब करो 26, 4 कितना हुआ 26, 10, 36, 36, 4, 40, 40 और 30, 75 हो जाएगा टोटल। 75 की वैल्यू कितनी है 75, ठीक भैया 75 की वैल्यू है कितनी 7500, डिवाइड करो एक की वैल्यू कितनी है भाई 100। इतना क्लियर हो गया हमको, जिसका पूछ रहा निकालो क्या कह रहा है, बी का पार्ट निकाल रहा है, बी में मल्टीप्लाई कराओ आंसर कितना आ जाएगा 1400, यानी बी का पार्ट कितना होगा 1400। क्लियर हो गया, आई थिंक आंसर आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। 7500 रुपए को एबीसी में डिवाइड करना, एबीसी के तीनों रेशियो सेम कर लिए, 75 की वैल्यू 7500 है, एक की वैल्यू 100 आएगी, ठीक, तो 14 की वैल्यू 1400 आ जाएगी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2600 रुपए को 2600 है एबीसी में डिवाइड करना है, ठीक है, इनका रेशियो 1:2, 1:3, 1:4 है, ठीक, तो प्रत्येक का हिस्सा होगा ना, दोनों का हिस्सा निकालना है, तो बहुत इजी है। एक काम कर लो, सबसे पहले इनको एलसीएम लो, कितना हो गया 12, 6, यानी कि ये आ गया 6 और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, रेशियो कितना है 6:4:3, क्लियर 6:4:3, तो कितना हुआ 13, 13 की वैल्यू कितनी है 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 200, ए का पार्ट कितना आएगा 1200, बी का 800, सी का 600। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक सिंपल सा है, पहले रेशियो फाइंड कर लिए, टोटल सम कितना 13, 13 की वैल्यू 2600, 1 की वैल्यू 200, 6 की वैल्यू 1200, 4 की वैल्यू 800, 3 की वैल्यू 600। क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी दो पर्सन है, ठीक है, इनकी इनकम भी है, इनकम कितनी है, इनकी इनकम है 2:3 के रेशियो में, और जो एक्सपेंडिचर है यानी कि व्यय है वो है 5:9 के रेशियो में, ठीक है, और जो इन दोनों की सेविंग है वो सेविंग इवन है 600, सेविंग कितनी इवन है 600, देन फाइंड द इनकम बोथ, ठीक है, तो अभी दोनों की क्या निकाली इनकम फाइंड करनी, तो जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इनके इनके बीच का डिफरेंस फाइंड कर लो यार, ठीक है, तो इनके इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 है, सबसे पहले डिफरेंस को इक्वल करने के 4 का मल्टीप्लाई कराओ 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 12 हो गया, इतना क्लियर हुआ। अब दोनों इक्वल है किसी को भी कर सकते हो, तो अगर इसकी इनकम 8 है एक्सपेंडिचर 5 है तो भैया सेविंग कितनी होगी, सेविंग घटाओ 8 - 5 आंसर कितना आ गया 3, इस 3 की वैल्यू गिवन है 600, 3 की वैल्यू कितनी है 600, 1 की वैल्यू आ गई 200, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 200, ठीक, अब इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करो इनकम आ जाएगी, इनकम आ गया 1600, ये आ गई ए की, ठीक है, और बी की कितनी आएगी 2400। ये हुआ सिंपल सा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि हमसे कह रहा है इनकम एक्सपेंडिचर की मैंने हम लोग दोनों को क्या कर लिया रेशियो को इक्वल बना लिया, इसे इक्वल बना लिया डिफरेंस इक्वल करने पड़े इसका मल्टीप्लाई इधर इसका मल्टीप्लाई इधर 8 - 5 एट इनकम 5 एक्सपेंडिचर, ठीक चाहे से करो चाहे से करो आंसर वही आएगा 3, 3 की वैल्यू कितनी है 600, 1 की वैल्यू कितनी है 200, ए कितना आ गया 600, बी कितना आ गया 2400। क्लियर हो गया, ठीक ये तो था तो आज रेशियो में, अब इसके आगे का लेक्चर आप लोगों को कल नहीं परसों मिलेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर देंगे भैया, इतना टाइम मेरे पास होता है लेकिन एक्स का भी बनाना है, ठीक है, तो इसलिए बाकी लोग बाद में करेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।